बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले ये लौंग चूड़े। गाइस, ये लौंग चूड़े आप लोग रमज़ान में बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं। तो चलिए गाइस, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले तैयार करेंगे इसके लिए चटनी। गाइस, मैंने ली है एक पाव इमली और इसके बीज जो है निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने साफ कर लिया था धनिए को, और ये धनिया मैंने लिया है एक गड्डी, पुदीना भी मैंने एक गड्डी ही लिया है, और ये मैंने जो है लहसुन की कलियाँ ली हैं 10 से 12 अदद, तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, जीरा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और नमक लिया है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ली है 2 टीस्पून। गाइस, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम जूसर ब्लेंडर में इन सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैं धनिया पुदीना वगैरह सब चीज़ें इसी में ऐड कर दूँगी एक साथ, और बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करिएगा नहीं तो ये पतली हो जाएगी। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड करा है, रोक रोक कर हम मशीन को चलाएंगे तो ये इसके इमली के पल्प से ही पिस जाएगी। ये देखिए, हमने इमली भी इसमें साइड डाल दी है, और अब हम इस तरह रोक रोक कर चलाएंगे। ये देखिए, हमारी चटनी जो है तैयार हो चुकी है, और अब हम जो है इसके लिए पकौड़ियाँ बना लेते हैं। मैंने बेसन लिया है 1 कप और इसको अच्छी तरह छान लिया था। लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा तकरीबन 2 पिंच, और फूड कलर भी मैं इसमें 2 पिंच ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने फूड कलर भी ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। गाइस, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने और अच्छा सा हमें एक बैटर मिल जाए। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि इसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो ठोस हो जाएँ। ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, और बैटर को इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से उठाकर के किस तरह हमें जो है बैटर की पहचान करनी है। ये देखिए, हम इस तरह से गिराएंगे तो रिबन की तरह ये गिरना चाहिए, बस इसी तरह का हो। मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया था गाइस पहले ही, और ये हल्का सा गर्म है, तो अब हम इसमें चम्मच से इस तरह से पकौड़ियाँ डालेंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी पकौड़ियाँ नहीं बनाइएगा, चम्मच से एक जैसी ही बनेंगी, एक ही नाप की। ये देखिए, मैं किस तरह से बनाती जा रही हूँ, और ये खुद ही फूल कर ऊपर आ रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है लौंग चूड़े बनते हैं। आप लोग रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने बोला क्यों ना आपको पहले से ये एक रेसिपी दे दी जाए ताकि आपको रमज़ान में कोई मुश्किल ना हो और जो है आप ये रेसिपी ट्राई कर सकें। और अगर आप चाहें तो ये पकौड़ियाँ बनाकर भी फ्रिज में रख सकती हैं काफ़ी सारी एक साथ, और ये ख़राब नहीं होती है, तकरीबन 2 से 3 दिन आप इसको चला सकती हैं आराम से। और जो इसके साथ मैंने चटनी बनाई है उसको भी आप रखकर तकरीबन 2 से 3 महीने खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है चटनी, आप बस कांच की जार में उसको रखिएगा। अब होंगे आपके रमज़ान बहुत ही आसान, क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखिए, मैं इसको जो है अब ये फ्राई हो गई है, मैं इस तरह से ही ऑयल में डिप करते हुए इसको फ्राई कर रही थी, और अब हम इसको पलट देंगे क्योंकि ये एक साइड से फ्राई हो चुकी थी, और फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि इन पे थोड़ा सा कलर आ जाए, क्योंकि अभी इन पे कलर नहीं आया है लेकिन ये फ्राई हो चुकी हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी फूल चुकी हैं, इसका मतलब ये है कि ये फ्राई हो गई हैं, और अभी हम इनको बस सिर्फ कलर देंगे, गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे, और फौरन निकालते ही इसको डायरेक्ट हम पानी में डाल देंगे। पानी मैंने पहले ही रखा हुआ है तैयार करके, ये देखिए, पानी में डालने से ये नरम हो जाएंगी गाइस, इसलिए हम इसको फौरन पानी में डाल देंगे। लेकिन पानी में डालने से पहले ऑयल को अच्छी तरह झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा ऑयल, ताकि नहीं जाए उसमें। ये देखिए, और अब हम जो है दोबारा से इसी तरह बेसन को ऑयल में डालेंगे और पकौड़ियाँ बना लेंगे गाइस इसी तरह चमचे से। और मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बड़ी बनानी है, छोटी ही बनानी है। चम्मच से एक ही साइज़ की बनती है इसीलिए मैं चम्मच से बना रही हूँ। तो गाइस, ये वाली भी देखिए मैं किस तरह डालती जा रही हूँ, और ये भी फूल कर ऊपर आती जा रही हैं,
इसी तरह हम जो है इसमें डालते रहेंगे और इनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये भी फ्राई हो गई है, इनको भी मैं पानी में डाल दूंगी। जैसे ही इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो गाइस दिखाती हूँ आपको सारी फ्राई करके। ये देखिए हमारी जो है चटनी भी तैयार हो गई है, फुलकियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं, थोड़ी सी मैंने प्याज कट करी है और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। अब हम जो है एक प्लेट लेंगे और इसमें जो है फुलकियाँ डालेंगे। आपकी मर्जी है, आप जितनी फुलकियाँ लेना चाहें उतनी जो है आप ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ फुलकियाँ कितनी ज़बरदस्त फूली हैं, और तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से भी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त की हैं ये। और ये देखिए मैंने प्लेट में जो है फुलकियाँ रख ली हैं और अब हम इस पर डालेंगे चटनी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितनी डालना चाहें इतनी डाल सकते हैं। वैसे तो ये चटनी इतनी तीखी नहीं होती है, ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं इसमें, ये ज़्यादा ही डाली जाती है इस पर। ये देखिए मैंने अच्छी खासी चटनी डाल दी है। अब हम इस पर डालेंगे प्याज और थोड़ा सा धनिया भी हम इस पर डालेंगे गाइस। और अगर आप लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इस पर हरी मिर्च भी बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। ये देखिए अब जो है मैं इस पर दोबारा से चटनी डालूंगी और चटनी डालने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर प्याज वगैरह डालेंगे। गाइस आपकी मर्जी है, आप जितनी चटनी डालना चाहे उतनी डाल सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारे लॉन्ग चूड़ों का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज्यादा अच्छे थे। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।